तेजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताजा तरीन पेशकश। आज के पॉडकास्ट की शुरुआत विधानसभा की कार्यवाही से। नमस्कार, मैं हूं अरिंदम और मेरे साथ हैं मेधा। विधानसभा में राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार रजिस्ट्रीकरण और कल्याण विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों से राजस्थान आज देश का पहला ऐसा राज्य है जहां गंभीरता से गिग वर्कर्स की सुध ली गई है। उनके प्रति संवेदनशीलता जताते हुए हाल ही मुख्यमंत्री ने कहा था, एक और नवाचार किया हमने गिग वर्कर्स का। ये जो नया कंसेप्ट है आजकल टैक्सी ड्राइवर या उबर और ओला जो भी है, इस प्रकार जो काम है, सर्विस डिलीवरी का काम है, वो लाखों लोगों संख्या में आगे, वो लोग उनके लिए कोई कानून नहीं है। जब चाहे उनके मालिक उन्हें निकाल सकते हैं। हमने उनके लिए 100 करोड़ रुपए रखे हैं, सोशल वेलफेयर उनके लिए एक बोर्ड बनाया है। आगे हम एक्ट बनाने जा रहे हैं गिग वर्कर्स एक्ट का, एंश्योर करने के लिए इनकी जो सर्विस है उनको कैसे रेगुलर सोशल सिक्योरिटी हो सके। सदन ने आज कोटा और उदयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक भी ध्वनिमत से पारित कर दिए। इनसे दोनों शहरों में विकास प्राधिकरण के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। प्राधिकरण बनने से इन शहरों के विकास को गति मिलेगी। आज ही गांधी वाटिका न्यास जयपुर विधेयक भी पारित किया गया। इसके साथ ही विधानसभा ने मणिपुर घटनाक्रम, ERCP, किसान ऋण माफी और जातिगत जनगणना से संबंधित 4 अलग अलग संकल्प प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किए। पहला प्रस्ताव मणिपुर की चिंताजनक स्थिति पर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने पेश किया। ERCP संबंधी दूसरा संकल्प प्रस्ताव जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीया ने पेश किया। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने किसान ऋण माफी संबंधी प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा। जातिगत जनगणना संबंधी 4th प्रस्ताव आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने प्रस्तुत किया। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि कृषक बीमा पॉलिसी के अंतर्गत जिन किसानों को फसल खराबे से नुकसान हुआ है उन्हें बीमा कंपनी ने राशि दे दी है। जो 28 किसान बचे हैं उन्हें जल्द ही सहायता मिलेगी। जल जीवन मिशन के तहत नलकूप खोदने की प्रक्रिया जारी है। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि जहां पानी नहीं मिला वहां नए नलकूप खोदे जा रहे हैं। ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने स्पष्ट किया कि झालावाड़ जिले में लोड शेडिंग की वजह से कोई बिजली कटौती नहीं की जा रही है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि उदयपुर जिले में जामर कोटड़ा के सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी भवन परिसर से गुजर रही 11 केवी लाइन को हटा दिया गया है। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान मॉडल की आज पूरे देश में चर्चा है, अब इसे और विस्तार मिलेगा। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री 27 जुलाई को प्रदेश में 11 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। नए कॉलेजों का लोकार्पण चित्तौड़गढ़, सिरोही, धौलपुर और श्रीगंगानगर में होगा। बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, झुंझुनू, बारां, टोंक और जैसलमेर में मेडिकल कॉलेज भवन की आधारशिला रखी जाएगी। मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच और व्यक्तिगत प्रयासों से राजस्थान आज चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश में नंबर 1 है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए का बीमा देने वाला राजस्थान इकलौता राज्य है। इस बारे में मुख्यमंत्री अक्सर कहते हैं, आप देखिए, एक सोच के कारण से, एक सहज के कारण से आज यहाँ पर 11 मिल गया मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और अब तो सरकार की तरफ से भी हर जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज खुल रही है। इसे कल्पना नहीं करते थे, एक या दो मेडिकल कॉलेज होते थे राजस्थान में, और आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रही है, हर जिले में आज नर्सिंग कॉलेज खुल रही है। अब बात मुख्यमंत्री स्तर पर जारी कुछ महत्वपूर्ण स्वीकृतियों की। प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए CISF की तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन होगा। इसमें 3 बटालियन बनाई जाएंगी जिनके मुख्यालय भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और बालोतरा में होंगे। तीनों बटालियन में 3072 नए पदों का सृजन होगा। फोर्स में आवश्यक सुविधाओं के लिए 21 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। भरतपुर में रिको रोड पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। इसके लिए 73 करोड़ 34 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। ये ओवर ब्रिज बनने से लोगों को यातायात जाम की समस्या से राहत मिलेगी और समय की भी बचत होगी। उधर लालसोट, मंडावरी और रामगढ़ पचवारा नगर पालिकाओं में सड़कों के 86 निर्माण कार्यों के लिए 21 करोड़ 34 लाख रुपए भी मंजूर किए गए हैं।
लालसोट में 6 करोड़, मंडावरी में 7.25 करोड़ और रामगढ़ पचवारा में करीब 7.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मंजूरी से प्रदेश के सड़क तंत्र को मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि सड़क तंत्र का उन्नयन और विस्तार राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अक्सर इस बारे में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि राजस्थान सरकार ने भी 1,32,000 किलोमीटर, जिसमें 61,000 किलोमीटर रोड बन चुकी है और 71,000 किलोमीटर के काम चल रहे हैं, उसमें हरियल भी है और ओबी भी है। इस प्रकार से राजस्थान में रोडों का जो जाल बिछरा है उसके अंदर मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट मैजर रोड मिला करके राजस्थान उन राज्यों में होगा देश के अंदर जहाँ पर सड़कों को लेकर कोई शिकायत किसी की नहीं आ पाए। प्रदेश में एनीकट और नहर संबंधी 6 विकास कार्यों के लिए 33 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इससे करौली, सवाई माधोपुर और जयपुर जिलों में एनीकट निर्माण और धौलपुर जिले में नहर विकास का काम होगा। इससे इन इलाकों में पीने के पानी की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। कनाडा के विनीपेग में 28 जुलाई से 6 अगस्त तक वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स होंगे। इसमें राजस्थान पुलिस के 11 खिलाड़ी प्रतिभा दिखाते नजर आएंगे। इन्हें विदेश यात्रा की अनुमति तो दी ही गई है, साथ ही हवाई यात्रा और भत्ते के तौर पर 43 लाख रुपए भी मंजूर किए गए हैं। और अब जिक्र जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट का। जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट बन रहा है राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी विकास योजनाओं का आईना। आइए सुने कौन कौन बने हैं आज के जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट के इनामों के पहले 3 हकदार। आज के कॉन्टेस्ट के पहले विजेता रहे अशोक कुमार, जो नागौर जिले से हैं। उन्हें पुरस्कार के रूप में 1,00,000 रुपए की राशि दी गई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महंगाई राहत कैंपों की 10 जन कल्याणकारी योजनाओं पर एक वीडियो बनाकर शेयर किया था। वहीं पाली जिले के राजाराम ने जीता 2रा पुरस्कार। उन्हें 50,000 रुपए की इनामी राशि दी गई। उनका वीडियो उड़ान योजना पर आधारित था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। श्री गंगानगर के अकबर अली रहे आज के कॉन्टेस्ट के 3रे विजेता, जिन्हें 25,000 रुपए की इनाम राशि दी गई। उन्होंने किसानों पर आधारित योजना पर वीडियो बनाकर साझा किया था। इसके साथ ही 100 प्रतिभागियों को मिले 1,000 रुपए के प्रेरणा पुरस्कार। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने भीलवाड़ा जिले के उमरी में करीब 5.25 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें सीएचसी भवन और चौहानों की कमेरी से मालियों के बास तक सड़क का शिलान्यास और कमेरी सुरगठी सड़क का लोकार्पण शामिल है। राजस्व मंत्री ने गहलोत सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए इन्हें आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाने और लाभ उठाकर प्रदेश के विकास में भागीदारी बढ़ाने की बात कही। इधर राजस्थान मदरसा बोर्ड अध्यक्ष MD चौबदार ने भी भीलवाड़ा में मदरसों का निरीक्षण किया। उनकी टीम ने विद्यार्थियों और अनुदेशकों से बातचीत की और बाल गोपाल योजना का रिकॉर्ड जांचा। बोर्ड अध्यक्ष ने उज्जवल भविष्य के लिए विद्यार्थियों को गहलोत सरकार की योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया। श्री गंगानगर जिले में जिला परिषद CEO ने ग्राम पंचायत 9MB में मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने श्रमिकों की अटेंडेंस प्रक्रिया देखी और औजारों की उपलब्धता और क्वालिटी वर्क पर जोर दिया। इस दौरान रावला में सरसों खरीद भुगतान प्रक्रिया की भी जांच की गई। सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस की प्रशिक्षण अकादमी ने इन दिनों अजमेर जिले में चयन शिविर लगाया है। इसके तहत आज जवाजा में भर्ती कैंप लगाया गया। इससे पहले कल केकड़ी में आए 43 अभ्यर्थियों में से 14 का चयन हुआ। अगला शिविर कल मसूदा में लगेगा। अकादमी के भर्ती अधिकारी ने बताया कि इन्हें 65 साल की उम्र तक स्थायी रोजगार मिलेगा। शिविरों में चुने जा रहे सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर्स विभिन्न दुर्गों, मेट्रो स्टेशन और हवाई अड्डों पर तैनात किए जाएंगे। दौसा जिले में इंदावा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 4 स्काउट्स का पुष्कर में 27 जुलाई से होने वाले शिविर के लिए चयन हुआ है। प्रधानाचार्य ने बताया कि स्कूल में स्काउट गतिविधियों का नियमित संचालन होता है। पुष्कर शिविर के लिए जिले से 5 स्काउट गाइड चुने गए, जिनमें से 4 यहाँ से हैं। नमस्कार, लेते हैं आपसे विदा, लेकिन खबरों का सिलसिला सुजस आवाज राजस्थान पर यूं ही जारी है। अगर आप इस पॉडकास्ट को बाद में भी सुनना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से सुजस ऐप डाउनलोड करें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।